हेलो फ्रेंड्स, हम सपना अग्रवाल, क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ अनसा इंटीरियर्स. आज हम मिस्टर आलूवालिया जी के साथ हाय हैं एवरीवन। एंड ही इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टोन. बिलीव मी व्हेन आई से इट, जितनी नॉलेज इनको होगी स्टोन की मार्केट में, आई डोंट थिंक सो किसी के पास होगी. तो आज हम इनसे स्टोन, इटालियन स्टोन्स, उसकी मेंटेनेंस और यूजेस के बारे में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं. राइट भैया? मैं कोशिश करूंगा। नहीं नहीं भैया, आई थिंक दैट्स बीइंग हम्बल, बिकॉज आई एम श्योर कि जितनी नॉलेज आप दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, कोई ऐसा होगा जो स्टोन के बारे में इतनी डिटेल में बता पाएगा. उसका बेसिक रीज़न है कि मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया हुआ, तो मैंने इसका यूज़, कटिंग्स, मेंटेनेंस, पॉलिशिंग, हर फील्ड के अंदर मैंने एक्टिव पार्ट किया हुआ विद माई ओन हैंड्स. तो शायद मैं आंसर दे सकूं आपको. आई थिंक तो हम आपकी स्टोरी से ही शुरू करते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट. मैंने स्टार्ट किया था एज ए कटिंग मिस्त्री ऑन ए मशीन. पहले आजकल के टाइम के अंदर जो मशीन्स हैं, पोर्टेबल मशीन्स हैं, हाँ जी, जो ऑन साइट जाती हैं, आपके पत्थर को स्क्वेयर करती हैं, रेक्टेंगल करती हैं, जो भी शेप आप चाहते हैं वो देते हैं. बट एक ज़माना था जब ये पोर्टेबल मशीन्स नहीं थी. अच्छा, वी गो बैक टू 1982-83, वे बैक. ओ, तो प्लेटफॉर्म मशीन्स होती थी कटिंग करने के लिए. कुछ स्टोन्स थे जो हाथ से बनते थे, जैसे जो मकराना के स्टोन्स थे वो हाथ से बन जाते थे. फिर एक लहर आई 1982 में, जब पत्थर स्टोन्स आए मकराना के बाहर से, जिसमें उदयपुर साइड के पत्थर थे या बाकी कंट्री के साथ पत्थर थे, वो हाथ से बन नहीं पाते थे. तो उनके लिए कटिंग मशीन्स की हेल्प ली जाती थी, वो डायमंड कटर से ही कटते थे. ओके, तो मैंने अपना करियर स्टार्ट ही मिस्त्री के तौर पे किया था. और तब पढ़े लिखे लोग, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी. तो हाँ, That's a surprise. ये तो I think बड़ी motivational story होने वाली है शायद. Very few people nowadays know about it, but मेरा जो start है वो basic से हुआ हुआ है. तो इसलिए मुझे marble study करना, पढ़ना, उसके usage, उसको बनाना, उसको polishing करनी, उसकी repair करनी, maintenance करनी, ये subject मैं इनके साथ grow कर गया. Oh, very nice भैया. So I think let's start by what our viewers will be interested in. Italian marble में आप deal करते हैं, Italian marble कहाँ कहाँ लग सकता है? हमें floor पता है, बाकी designers की creativity होती है, but आप क्या क्या recommend करते हैं? Marble Italian हो या कोई भी हो, उसके use जो हैं, उसके use की कोई limitation नहीं है. Marble can be used on floor, marble can be used as partitions, marble can be used on walls. Marble can be used in bathroom, in the ceilings also, which is now becoming a trend. जो straight line marbles आते हैं उसको हम wrap technology के साथ floor से ऊपर तक ले जाते हैं. Okay. तो marble का use सिर्फ ये होता है कि marble का use excessive ना हो जाए, देखने में सुंदर लगे. Marble अपने आप में एक need नहीं है, marble एक requirement इसलिए बन गई है कि it gives you a value of importance. टू ए पर्टिकुलर प्लेस, या तो वो लग्जरी ऐड करता है. हाँ, लग्जरी आइटम है ये, आपके डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट कर जाता है. मार्बल फर्नीचर में इस टाइम बहुत तेजी से आ रहा है. ट्रू ट्रू ट्रू. आई थिंक मार्बल का यूज अब फर्नीचर में भी काफी हद तक हो रहा है. इवन किचन काउंटर टॉप्स पे भी अब इटालियन ग्रेनाइट वगैरह यूज हो रहे हैं. सो आई थिंक यूज उसका एक्सटेंसिव हो गया, फ्रॉम जस्ट फ्लोरिंग अब वो बाथरूम्स में, किचन्स में, फर्नीचर में, आई थिंक काफी जगह एंटर कर गया. इट्स बीन एंटर्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस नाउ. सो इटालियन मार्बल को हम इटालियन मार्बल कहते हैं, बट वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इट्स इम्पोर्टेड मार्बल. जी. सो वो कहाँ कहाँ से आता है मार्बल? आज की तारीख में मोर देन 25 कंट्री से आता है. ओके. कंट्री स्टार्ट हो जाती हैं ईरान से. ईरान है, ओमान है, इजिप्ट है, ग्रीस है, ट्यूनीशिया बहुत जल्दी, बहुत अच्छा एक पोर्ट ऐड हो रहा है. अफ्रीका एक बहुत अच्छा पोर्ट ऐड हो रहा है. ब्राज़ील एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, जो इज मोर फेमस इन अमेरिका रेदर दैन इंडिया, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव साइड इट इज. ओके. इटली तो है ही है, स्पेन है, टर्की एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है. टर्की इज सो ब्लेस्ड विद दी डिपॉजिट्स की शायद आने वाले 100 साल में अभी वो इतनी बड़ी डेस्टिनेशन बन जाए कि कोई और इटली का लोग नाम भूल जाए. इंटरेस्टिंग. सो भैया, जब हम इतनी ज़्यादा कंट्रीज से और इतने वेरीड लैंडस्केप से हम पत्थर लेकर आते हैं, तो प्रैक्टिकली द वे इट हैज़ टू बी लेड, द वे इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इज डिफरेंट. बट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर पत्थर वालों को या ज़्यादातर कस्टमर्स को भी ये नॉलेज होती है कि जब कोई पत्थर ओमान से आ रहा है या ड्राई लैंड से आ रहा है या वेट लैंड से आ रहा है, तो उसमें काफ़ी फ़र्क होगा पॉलिशिंग में भी और लगाने के तरीके में भी. सारी बात ठीक है. देखिए, पत्थर जहाँ से भी आ रहा है ना, जो भी माइन ओनर है या जो भी गवर्नमेंट है उसे प्रमोट कर रही है, उनको अपने स्टोन्स की, मार्बल्स की, क्वार्ट्जाइट्स की, ग्रेनाइट्स की ना प्रॉपर्टीज सारी पता है.
उसमें कैल्शियम कंटेंट कितना है, वो ब्रिटल कितना है, वो ड्राई कितना है, वो वेट कितना है, उसमें कैविटीज़ क्या हैं, तो उन्होंने उसके साथ ही उसकी डेवलपमेंट कर रखी है उन्हीं कंट्रीज़ ने अपने पास विद द हेल्प ऑफ द साइंस, विद द हेल्प ऑफ द रेजिन एपॉक्सीज एंड स्ट्रेंथनिंग मेथड दैट वी एम्प्लॉय दिस डेज. तो अगर हम उसको स्टडी कर लेते हैं बिफोर इवन बाइंग और थिंकिंग ऑफ बाइंग, तो रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है. So my question would be, is it very necessary? Is it actually advisable कि client को education ज़रूर दी जाए? Client को education ज़रूर मिलनी चाहिए है. Which I totally agree, but I think market में ज़्यादातर लोग कुछ भी बोल के बेच देते हैं. वो उसका एक reason है. ये ना disorganized एक sector है. इसमें organized sector नहीं है. There is no science employed in even selling the material. और एक डर है मार्केट के अंदर कि अगर हम सच्चाई बोलेंगे तो क्लाइंट पुट ऑफ हो जाएगा, लेगा नहीं. इस डर की वजह से हम राइट जो मार्केट है ऑल ओवर द इंडिया वो कन्वे नहीं कर पाते कि भाई इसको हमने लगाना कैसे है, इसको मेंटेनेंस कैसे करना. तो उससे क्या होता है, रिज़ल्ट क्या होता है कि उसका वो जो रिज़ल्ट सोच के आया होता है वो रिज़ल्ट उसके पास नहीं आता, तो अल्टीमेटली एक बैड पिक्चर फिर क्रिएट हो जाती है, एक डिससेटिस्फैक्शन होती है, और वो डिससेटिस्फैक्शन आई थिंक परकुलेट होती है आप तक भी. जी. सो विच आई थिंक कि अगर हम फर्स्ट स्टेज पे क्लाइंट को एजुकेट करें कि ये पत्थर इस कंट्री से आया है, इसमें ये रेजेंस या ये इपॉक्सी लगेगी, इसकी ये मेंटेनेंस रहेगी, सो आई थिंक इट विल बी अ बेटर वे टू सेल इट ऑफ. ये होना यही चाहिए, होना ऐसा ही चाहिए, होना ऐसे ही चाहिए है, बजाय कि हम बोल के कमिट करें. हमें ये लगता है कि हम जो भी मटेरियल हम प्रमोट कर रहे हैं, जो भी मटेरियल आप लोग चाह रहे हैं कि भाई ये आपके डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करें, हम उसके साथ कोई रिटर्न एक कोई पेपर ऐसा बनाएं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके साथ एपॉक्सीज़ क्या यूज़ होंगी, द मेथड ऑफ लेइंग और मेथड ऑफ पॉलिशिंग, मेथड ऑफ मेंटेनेंस, ये साथ ही साथ अगर हम उसको आगे क्लाइंट के बिना पूछे ही उसे प्रोवाइड कर दें, या एटलीस्ट हम डिज़ाइनर्स को प्रोवाइड कर दें कि इन चीज़ों के ये डिसएडवांटेज हैं, ये एडवांटेजेस हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आई थिंक एज आई ऑलवेज से इट्स ऑलवेज अ हैंड एंड ग्लव सिचुएशन, बिकॉज एज डिज़ाइनर्स वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम हर कंट्री में जाके हर माइंड को स्टडी नहीं कर सकते हैं. सो अगर वो एजुकेशन आप लोगों से परकुलेट होके हम तक आती है, तभी हम आगे क्लाइंट्स को भी एजुकेट कर पाते हैं. सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी नाइस इनिशिएटिव अगर आप ऐसा कोई पेपर बना के यू कैन हैंड इट ओवर टू द डिज़ाइनर्स हु आर इंटरेस्टेड, एंड देन दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन साइट. आई थिंक वो इकोलॉजिकली भी हमें काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि हम काफ़ी सारे नुकसान से बच जाएंगे. जो रेजिन नहीं यूज़ होना चाहिए था वो हो गया. सो हम अल्टीमेटली हम इकोलॉजी को भी तो हार्म कर ही रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. ऑल्सो जब हम इटालियन स्टोन्स की बात करते हैं, सो इटालियन स्टोन्स को टाइल्स के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? कि आई टोटली अंडरस्टैंड कि टाइल्स की अपनी मार्केट है, पत्थर की अपनी मार्केट है, बट कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप कहेंगे कि पत्थर वुड लुक बेटर एंड जहाँ पर टाइल्स लगनी चाहिए? टाइल्स सिवाय इकोनॉमी के टाइल्स का कोई और फंक्शन नहीं है. सो यू विल से कि वो इकोनॉमिकल हैं इसलिए ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं? इकोनॉमिकल इसलिए होती है कि वो एक पोर्सलिन मटेरियल है या सैंड है या सिलिका है, उससे वो बनती है और हूबहू पत्थर का प्रिंट उसके ऊपर आ जाता है. तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि जीरो मेंटेनेंस और जीरो वेस्टेज और बहुत मिनिमम रेट्स के ऊपर आपने सेम लुक अलाइक एक चीज क्रिएट कर ली. बट व्हेन वी यूज स्टोन इन वॉशरूम्स विल इट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट? Nowadays the washrooms are being built in such a manner. आप लोग डिज़ाइन हम लोग भी बना रहे हैं, उसमें ड्राई एरियाज जो हैं 70% है, ओनली 20-30% वेट एरिया है. और उसके बाद जो है कि एक आदमी को एक वॉशरूम आज की तारीख में डेडिकेट हो जाता है, एक फैमिली मेम्बर को. True. तो वॉशरूम और वॉशरूम नहीं रह गया, वॉशरूम इज़ नाउ पार्ट ऑफ इंटीरियर्स. तो मार्बल बींग ए कैल्साइट, मार्बल इज 85-90% कैल्शियम कार्बोनेट, इट रिएक्ट्स विद बोथ एल्कलीज एंड बोथ एसिडिक्स. तो अगर हम पुराने टाइम में जाते हैं तो लोग इसीलिए वॉशरूम्स के अंदर अवॉइड करते थे कि उसमें मेंटेनेंस इश्यूज थे, उसकी सफाई होती थी, धुलाई होती थी. अब ऐसा कुछ नहीं है. हाँ नहीं, ट्रू. इफ यू वांट टू गिव ए लग्जरी लुक टू द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ एनी रेजिडेंस दैट यू आर डूइंग और एनी प्लेस दैट यू आर डूइंग, मार्बल एक बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है. ऑल्सो इन किचन काउंटर टॉप्स आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इटालियन ग्रेनाइट्स दैट हैव कम अप. उसका रीजन है जी. एक ज़माना था जब जो स्टोव जो था वो स्लैब्स के ऊपर रखा जाता था. आज की तारीख में कोई स्टोव स्लैब्स के ऊपर नहीं आ रहा. तो उस टाइम के अंदर ये था कि हीट से जो मार्बल है वो क्रैक कर जाता था. अब ऐसा कुछ नहीं है. अब आपके जो वो स्टोव्स हैं वो राइट, दे आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ओनली, दे आर
एक्चुअली कट आउट इन दी काउंटर, वो कट आउट होते हैं, तो अब ऐसी कोई नीड नहीं रह गई है। और किचन भी जो है एक पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द हाउस हो गया। किचन ज़रूरी नहीं कि नौकर यूज़ करते हैं, घर के ओनर्स हैं, समटाइम्स दे डू ईट फूड इन देयर किचन समथिंग। नो ऑल एग्रीड, बट उसमें क्या पोरोसिटी लेवल और स्टेन रेजिस्टेंस इतनी है ब्राज़ीलियन ग्रेनाइट्स में दैट इट कैन विदस्टैंड ऑल द स्टेन्स एंड ऑल द रफ एंड टफ वेयर ऑफ द किचन? इवन यू कैन पुट इटालियन मार्बल ऑन द काउंटर नाउ, कोई ऐसी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। Also, we understand कि आप काफ़ी सारे designs create करते रहते हैं। Whenever I come to your showroom, there is something new that you have created, like this wall per se. So, आप stone के ऊपर काफ़ी experiments करते हैं। So, आने वाला जो time है वो value additions का। हाँ, so I've seen a lot of value additions. I mean, कभी sandblasting करके कुछ बनाया होता है। So, just a few processes that you use here. The few processes are all how do we put pressure on the stone. और एवरी प्रोसेस डिपेंड्स ऑन दिन। सो हमारे पास जो सोर्स हैं वो एयर है, हमारे पास हीट है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास एसिड्स हैं, ये चार पांच प्रोसेस हैं। हमारे पास मशीन्स हैं जिसमें हम सीएनसी मशीन्स हैं, या उसके अंदर भी हम कुछ ना ऑड फिगर्स जो हैं उसमें से डिराइव कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रोक्स दैट वी पुट ऑन इट। सो देयर इज स्टोन ऑन स्टेन, स्टोन ऑन स्टोन करते हैं आप जिसमें आप सीएनसी कटिंग करके लगाते हैं, देन स्टोन के अंदर से आप कार्व करते हैं, वो भी कर लेते हैं। जैसे आप ये बैकग्राउंड वॉल देखेंगे तो इसके ऊपर हॉट एयर एंड हॉट डस्ट एज वेल एज वाटर, इसका प्रेशर है। अच्छा, तो एवरी स्टोन हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ डेंसिटीज ऑफ द डिफरेंट कलर्स इट हैज़। तो जो डेंसिटी थोड़ी सी वीक होती है वहाँ पे थोड़ा खड्डा ज़्यादा हो जाता है, बाकी चीज़ें उभर के आ जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ द अंडुलेशंस आर प्रिपेयर्ड। तो ये नेचुरल फिनिशेस हैं। सीएनसी से एक बात होती है कि व्हाट एवर डिजाइन यू पुट इनटू द मशीन इट कम्स आउट, या ट्रू, सो इट लुक्स मोर मैकेनिकल। सो देन आई थिंक इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। फिर तो हमारी इमेजिनेशन का कोई एंड नहीं है, हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे बन जाएगा, वो हम पत्थर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द मेंटेनेंस ऑफ स्टोन, सो आप क्या रिकमेंड करते हैं? आई थिंक मेंटेनेंस के लिए आफ्टर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि जो भी स्टोन लगाता है साल डेढ़ साल खुश रहता है, उसके बाद उसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस, थोड़े बहुत डलनेस आ जाती है। सो व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स दैट यू रिकमेंड और व्हाट आर दी केमिकल्स दैट यू रिकमेंड टू बी यूज्ड? केमिकल शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द मार्बल। सो एनी एल्कली इज बैड फॉर मार्बल, एनी एसिड इज बैड फॉर मार्बल, एंड सिंस दिस इज ए कंट्री इन विच डस्ट इज देयर, तो और कुछ हम लोग वी हैव बीन ब्रॉट अप इन सच ए सिनेरियो कि पानी से ही सफाई होती है, ड्राई मॉपिंग से सफाई नहीं होती, या साबुन डाला जाए तो सफाई लगती है, नहीं तो सफाई नहीं लगती। तो उस सब को देखते हुए देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स बाय डाइवर्सी, एक कंपनी है जिसके कुछ मार्बल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, विद द बेस्ट वन इज़ R2। ओके, तो उसका भी यूज़ जो है इट इज़ रिकमेंडेड दैट इट इज़ टू बी यूज ऑन ए वेरी लेसर एक्सटेंट। ओके, तो मैक्सिमम वॉट यू कैन डू इज़ नॉर्मल वाटर एंड दैट टू वंस ए डे। तो जितना अगर आप वेट क्लीनिंग करते हैं उतनी आप पॉलिश इसकी ले जाते हैं। ओके, सो या बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ जितनी सैंड है वो अपने आप में ग्राइंडिंग का ही प्रोसेस कर रही होती है, हमारे पैरों से, शूज से वो ग्राइंडिंग कर रही होती है, तो उसमें धीरे धीरे पॉलिश तो कम होती ही होती है, बट रीपॉलिशिंग इन स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज, तो इसीलिए स्टोन रिकमेंड भी किया जाता है। रीपॉलिशिंग के साथ साथ अब कुछ बर्निशर्स आ गए हैं विच कैन गिव यू द सेम ग्लॉस दैट यू हैव सीन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फ्लोर। उसे आप पीरियोडिकली मेंटेन कर लें, और वो बड़ी इजी मशीन्स हैं, उनके साथ जो उनके टूल्स हैं उसके अंदर डायमंड्स लगे होते हैं, वो भी इजी टू हैंडल है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रह गया टू मेंटेन द शाइन दैट यू वांट टू सी। वेरी नाइस। सो आई थिंक टुडे वी हैव लर्न अ लॉट अबाउट स्टोन्स फ्रॉम प्रितपाल जी। ऑल्सो भैया, वी हैव बीन वर्किंग फॉर व्हाट, अ डिकेड नाउ टुगेदर? Yeah. हाँ जी, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अस? आई मीन वी आर एब्सोल्युटली ऑलवेज डिलाइटेड टू वर्क विद यू, हमें तो ऐसा लगता है हम कुछ भी सोचते हैं आप बना देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ANSA Interiors एक ऐसी फर्म है जिसमें कुछ मेथड्स हैं जो सबसे बड़ी बात है। ट्रू। मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा, मोर देन 50 आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर फर्म्स है मेरे साथ, किसी मेथड के साथ चलते हुए मैंने बाकी 49 नहीं देखे। So, हम बहुत मेथोडिकल हैं। या ट्रू, आपकी विजन भी क्लियर है कि ये करना है तो ये करना है, एंड वेरी रेयरली आपके डिसीजन जो है वो क्लाइंट्स या एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज उसको चेंज करती हैं। थैंक यू भैया। आई थिंक एज आई ऑलवेज से कि ये हमेशा
हैंड इन हैंड सिचुएशंस होती हैं, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वी हैव रियलाइज्ड कि हमने जितनी बारी भी आपसे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस मांगे हैं या आपको बोला है कि ये हमें चाहिए, आई थिंक एज वट वी एक्सपेक्ट वो हमेशा उसे एक्सीड ही किया है. नहीं, ये आपने बहुत आसान कह दिया, ये बहुत मुश्किल काम है. आपने हमें एक डिज़ाइन कह दिया है, लेकिन आपने क्लाइंट को भी कन्विंस कर दिया कि ये जो डिज़ाइन कह दिया है इसकी बेशक कॉस्ट ऊपर जा रही है, बट इसका रिजल्ट ये आएगा और जो आता है. हाँ, ट्रू. सो आपके रोल जो है वो हम लोगों से कहीं इम्पोर्टेंट है और कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है. भैया, आई थिंक हम डिफ़िकल्टी एक दूसरे को पास करते हैं. हम आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट बनाते हैं कि आपको ये बना के देना ही है. अब कैसे बनाएंगे वो आपको देखना होता नहीं है. वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें, क्योंकि सेलिंग मार्बल इज़ नॉट एन आर्ट, बट क्रिएटिंग वैल्यू टू द मटेरियल या क्रिएटिंग न्यू सर्फेसिस, न्यू डिज़ाइंस, इट इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज. हम आपकी क्रिएटिविटी का एक पार्ट बन जाते हैं. ये हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस भी है और बिजनेस प्रोपोजिशन. आई थिंक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस. सो आई थिंक वील सी अ फ्यू ऑफ हिज स्टोन्स दैट ही हैज क्रिएटेड. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोन पैटर्न्स होते हैं कुछ जो ये क्रिएट करते हैं अपने यहाँ पे. सो वील सी दैट टुडे. एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस टुडे.